बाइक और कार मुझे ऐसी ऐसी देखने को मिली हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये जो गगन चुम्बी मारते देख रहे हो ना आप लोग, मतलब स्काई स्क्रैपर्स। मंगाते हैं आज वेजिटेबल बिरयानी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है नया दिन, गला पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है। आज मैंने अपने सारे काम करने के बाद आज मैं मिड ऑफ द डे में अपना ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ और आज एक्सप्लोर करेंगे बिजिएस्ट स्पॉट्स ऑफ ओसाका। ओसाका स्टेशन के आसपास के जो जगहें हैं और जो नाइट लाइफ है ओसाका की, उन जगहों को। अभी मैं अपने हॉस्टल से निकल रहा हूँ। मेरा हॉस्टल जस्ट ओसाका गेस्ट हाउस हाइव, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। इसके बारे में आपको डिटेल रिव्यू दूंगा बाद में। अभी अपन चलते हैं आगे का ट्रिप एक्सप्लोर करते हैं। जापान आके एक चीज़ सीखने को मेरे को मिली कि इंसान को एफिशिएंट कैसा होना है लाइफ में, चाहे मुसीबत कैसी भी हो। सबसे बड़ा लेसन मिला मुझे टोक्यो में। एक रात टाइफून आया और इतना ज़बरदस्त आया कि मतलब उसने शहर हिला दिया, पूरा रेड अलर्ट हो गया, पूरा शहर बंद हो गया, इतना बड़ा शहर बंद हो गया। और दूसरे दिन सुबह बैक टू नॉर्मल। ये एफिशिएंसी है। अगर ये किसी और कंट्री में आया होता अभी तक, अगर हमारी कंट्री में अगर ये आया होता तो इसको पता नहीं कितने दिन लग जाते। लाइट चली जाती, इंटरनेट बंद हो जाता, सब कुछ दिक्कत हो जाती। लेकिन ना तो लाइट गई ना इंटरनेट बंद हुआ। बस ये था कि गवर्नमेंट ने पहले अलर्ट कर दिया लोगों को और लोगों ने बात सुनी और कितने लोग अलर्ट हो गए, कहीं गए नहीं रहे उधर। वेस्ट इन ओसाका और इसकी इस बिल्डिंग से जस्ट लिंक्ड है उमेदा की स्काई बिल्डिंग। तो ये है उमेदा स्काई बिल्डिंग जिसके बारे में आपको बता रहा था। ये ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पे आप 8 रुपीज की टिकट लेके जा सकते हैं और देख सकते हैं। व्यू बहुत ही शानदार और अमेजिंग होता है। मौसम जापान में धीरे धीरे ठंड वाला स्टार्ट हो गया है थोड़ा। जैसे अपने यहाँ जब दिवाली आती है और ऐसा हल्का हल्का ठंड वाला मौसम होता है, वैसा मौसम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं इंडिया में, अभी मैंने रिसेंटली कई अपने ट्रैवल कम्युनिटी के ब्लॉगर्स की स्टोरीज देखी तो बता रहे थे कि बारिश हो रही है और थोड़ा ह्यूमिड सा वेदर है, लेकिन जापान में हल्का सा सनी है और ठंडी हवा चलने लगी है। ऐसा वेदर मुझे बहुत ही पसंद है। तो ऐसे वेदर में एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बीमार भी कर देती है। वो जो सारे इलाके आपको दिख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो है ओसाका सेंट्रल मेन। ओसाका स्टेशन का जो एरिया है वो है वो जगह। बहुत ही अमेजिंग व्यू है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है, पहले इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। आई वॉन्ट टू गो रूफ टॉप एंड नाइन फ्लोर टिकट काउंटर एंड व्हाट इज़ द टिकट फी प्राइस ऑफ टिकट 1500। यहाँ पे आप 8 रुपीज की टिकट लेके जा सकते हैं और देख सकते हैं। ओ चूना लगा दिया। तो अभी जस्ट इनसे मैम से पूछा मैंने, आपको 3rd फ्लोर पे जा करके वहाँ से 39th फ्लोर पे जाना है और 39th फ्लोर से आपको टिकट मिलेगी। 1500 yen उसकी टिकट का प्राइस है। ऐसे टाइम पे चला जाए जब दिन का भी व्यू ले सकें और रात का व्यू ले सकें। तो अभी तो नहीं, शाम को चलते हैं। ये देख रहा हूँ पेंटिंग्स दोनों साइड में कितनी शानदार कर रखी है। हमारे देश में जब गवर्नमेंट ऐसे पेंटिंग्स करा देती है, लोग बिलबोर्ड चिपका चिपका के उसका पूरा हालत ख़राब कर देते हैं। ये देखो पेंटिंग्स कितनी शानदार पेंटिंग है। अभी रिसेंटली इलाहाबाद में कुंभ मेला हुआ था, वहाँ पे पूरे शहर में गवर्नमेंट ने देखते हैं वहाँ लाट कर आए। लेकिन अब जाके देख लो आप, पूरा वहाँ पे पेंटिंग, ये कोचिंग वो कोचिंग, ऐसी कोचिंग वैसी कोचिंग, लग रहा है वो पेंटिंग ही देख करके सारे कोचिंग पढ़ने आ जाएंगे। ये है मेन ओसाका डिस्ट्रिक्ट, ये देखो आप बिल्डिंग्स देखने लायक है। ये जो गगन चुम्बी मारते देख रहे हो ना आप लोग, मतलब स्काई स्क्रैपर्स, ये हैं बड़े शानदार। और इतना अच्छे से इनको बनाया हुआ है और इतना अच्छे से इनको मेंटेन किया हुआ है कि जवाब नहीं मिला। वैसे कंस्ट्रक्शन के रूल्स हमारे भी कंट्री में हैं, लेकिन उतना फॉलो नहीं किया जाते। अगर जैसे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, अरे भाई अपने देश का झंडा ये देखो यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट होगा इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन जब भी अपने देश का झंडा जहाँ मिलता है ना, दिल खुश हो जाता है। भारत माता की जय। शाबाश बेटा। हाँ, बैक टू कंस्ट्रक्शन पॉइंट।
सो जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी या ओनर की जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक का जो वॉकिंग वे है या ड्राइविंग वे है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, वो अपनी लिमिट में रह कर के बनाए। जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है लेकिन इतना बड़ा मेट्रो पॉलिटन एरिया ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। अगर जहाँ हो रहा है वहाँ पे गार्ड्स खड़े हुए हैं उस चीज़ को बताने के लिए कि हाँ भाई आपको कैसे ध्यान देना है। पर यहाँ पे आप देखो ये सब मेरे आगे पीछे जो गार्ड्स खड़े हुए हैं रेड फ्लैग लेकर के, ये बताते हैं कि आपको कब जाना है कब नहीं जाना है। यार एक बात ये है कि यार 1 बिलियन पॉपुलेशन अपनी कंट्री में है और इतने सारे लोग यूट्यूब देखने वाले, तो कम से कम यूट्यूब देख के ही सीख लो कि क्या कर सकते हो और वो अच्छी चीज़ अपनाने में बुराई क्या है। बात तो सही है। एक प्रॉब्लम मैंने फेस की है इंडिया के अंदर कि पेडेस्ट्रियंस खड़े रहते हैं जब तक ट्रैफिक में कार खड़ी रहती है, जब कार चल देती है तब लोग कार के आगे कूद जाते हैं। अरे यार खड़ी इसीलिए जिससे आप जा सको, ये नहीं कि जब कार चले तब आप उनके आगे कूदो तो उससे और ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। तो इसलिए ट्रैफिक रूल का प्रॉपर फॉलो करें। और वैसे तो इस समय कितने इंडिया में ट्रैफिक रूल्स का बहुत ज़्यादा लोचा हो रखा है कि भाई इतने सारे फाइन लग रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ हांक्यू मेन बिल्डिंग, वहाँ पे है बिंदु इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ का खाना इतना शानदार है, इतना शानदार। कल मैंने खाया था लेकिन कल मैं कैमरा लेके नहीं आया था रात को व्लॉगिंग करने के लिए, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आज रिकॉर्ड करूँगा, आप लोग को बताता हूँ। इतना शानदार खाना और प्राइस इतना रीज़नेबल है, जापान के हिसाब से काफ़ी प्राइस रीज़नेबल है। तो चलते आज वहाँ पे खाएंगे। और मैं आ चुका हूँ मेन ओसाका डाउन टाउन में, ये है पूरा क्राउडेड इलाका, तो वहाँ पे खाएंगे खाना और आपको दिखाता हूँ कैसा है वो रे बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग जाइंट व्हील। यहाँ की क्रॉसिंग में जो क्राउड लोग पास करते हैं एकदम बिल्कुल सिबिया क्रॉसिंग की तरह। ये ओसाका स्टेशन का मेन गेट, यहाँ से आपको JR लाइन और हांक्यू रेलवे मिलती है, आपको इसी के अंदर आ करके उस रेस्टोरेंट्स के लिए जाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार बना हुआ है बिल्डिंग, देखो आप। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि मेट्रो और ट्रेन के जितने भी स्टेशन हैं उनको शॉपिंग मॉल से कनेक्ट कर दिया है, तो शॉपिंग का शॉपिंग हो गया, आपको जो कुछ लेना है ले लो और उसके बाद फिर आप अपनी ट्रेन पकड़ो चलते बनो। बस अभी हम जाएंगे 31st फ्लोर, कुछ इंडियन भोजन करेंगे, उसके बाद चलेंगे नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये रहा मेन्यू, अपन मंगाते हैं आज वेजिटेबल बिरयानी। 2 hours later, सो ये आ गया हमारा वेजिटेबल बिरयानी, दिखने में थोड़ा मस्त दिख रहा है। अब खाना स्टार्ट करते हैं और आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा है। बहुत ही शानदार पूरा बिरयानी का मसालों का फ्लेवर आ रहा है, कदम चलता है अब नहीं जाना मेरे को, पेट पूजा हो चुका है, चलते अपन आगे। स्वादिष्ट खाने के बाद एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाए तो दिल ही खुश हो जाएगा। अभी मैं हूँ 32nd फ्लोर पे और इस जिस तरफ रेस्टोरेंट था उसके जस्ट ऑपोजिट में एक बहुत वाइड स्क्रीन विंडो मिला मुझे, जिससे मैं एक अच्छा सा टाइम लैप्स ले सकता हूँ और एक अच्छा सा व्यू आप लोगों को दिखा सकता हूँ। चलिए चलते हैं।